हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्य चौधरी वर्सेस आशुतोष प्रतिहास के बारे में। सो रिसेंटली गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने दो वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में जो है काफी लंबी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और जो है ये चीज पूरी जो है MLM मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली लक्ष्य चौधरी ने MLM मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसपे उन्होंने ये बताया था कि जो है 99% जो होते हैं MLM मार्केटिंग में जो लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो बेसिकली फ्रॉड बिजनेस करते हैं और लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं उनका पैसा लेकर। सो इसी के ऊपर जो है उनका वीडियो रिएक्शन लक्ष्य चौधरी ने बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। वो इसलिए बनाया था गाइस क्योंकि लक्ष्य चौधरी का नाम जो है उन्होंने अपने चैनल पे ले लिया था और उन्होंने उनको एक अब्यूसिव वर्ड भी यूज किया था। तो उसके बाद ये हुआ गाइस कि लक्ष्य चौधरी ने एक और वीडियो बनाई जिसपे कि उन्होंने साफ साफ उनको ये चैलेंज दिया है कि अगर वो MLM मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो भी इनकम जो उन्होंने दिखाई है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर, उसकी जो है ITR दिखाए, उसका इनकम टैक्स प्रूफ दिखाए। सो इससे रिलेटेड जो है आशुतोष प्रतिहास ने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर 2-3 वीडियोस अपलोड किए जिसमें वो अपना सारा इनकम का सारा प्रूफ और क्रेडिट वगैरह सब दिखा रहे हैं। सो आप भी देख लीजिए गाइस कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, जब तक मेरी रिप्लाई वीडियो आएगी, रिप्लाई खैर पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जैसे कि मुझे मना किया गया है नाम नहीं लेना है, ठीक है। सो मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लूँगा, पक्की बात है ये। एंड जो मेरे को चैलेंज दिया गया है कि इस साल के एंड तक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है, भाई एक्सेप्ट करता हूँ मैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेहनत करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे लास्ट बात ये बोलनी थी मुझे, हर MLM कंपनी, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेम नहीं होती, पहली बात। अब सामने वाले लोग बोलेंगे कि मैं नाम नहीं ले रहा, ध्यान देना, मैं नाम नहीं ले रहा, तो सामने वाले लोग बोलेंगे कि हर बंदा यही बोलता है, हर नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा यही बोलता है कि हमारी कंपनी अलग है, छाती पीट 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 के बोलता है हमारी कंपनी अलग है। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनी अलग है, ठीक है। पर एक मुद्दे की बात, एक रुपया नहीं लगेगा तेरा अगर मैं ये बात बोलूं, ध्यान देना मेरी बात पे, कैसा रहेगा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपका एक रुपया नहीं लगना, ठीक है, और आप पैसा कमाओगे। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, ये मत सोचना कि थाली में सच के लाखों रुपए आएंगे, हजारों रुपए भी नहीं आएंगे भाई थाली में सच के, तो ठीक है मेहनत लगेगी, घुटने छिलने पड़ेंगे, पर एक रुपया तुमने नहीं लगाना, तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना, देखते हैं, ठीक है। वो वीडियो का वेट करना, उस वीडियो के अंदर सारी बातें करने वाला हूँ। उस वीडियो के अंदर पहले तो प्रूफ दे दूँ, पहले तो अपने आप को दूध का धुला तो साबित कर लें भाई, पहले जो हम पे लग गए, लांछन लग गए कि ये भी झूठ है, सब झूठ है, सब फेक है, ठीक है। ज़िंदगी में पहली बार क्या बोला, कार प्लान का, हर महीने गाड़ी लेंगे, तो भाई कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं पता, बेसलेस थी। कि कार प्लान जो होता है वो एक लेवल होता है, जो जिस बिजनेस में मैं हूँ ना, जो कंपनी में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कार प्लान के पीछे, कार लेने के पीछे भाग रहा हूँ भाई, लॉजिकल बंदा हूँ, पागल थोड़ी हूँ, हर महीने कार लेने के पीछे था, वो बताऊंगा उस वीडियो के अंदर, क्योंकि कंटेंट अभी क्यों खराब करना, उस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। कार प्लान एक लेवल होता है हमारी कंपनी का, जो क्वालिफाई होना था मेरा, कार प्लान 1 मैंने क्वालिफाई किया था लास्ट मंथ, 2 करने वाला था, ठीक है। तो मैंने बस एक एंगेजमेंट के लिए पूछा था अपनी ऑडियंस से, तुम्हें तो इशू बनाना था और अपॉर्चुनिटीज मैं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस वीडियो के अंदर सारी क्लैरिफिकेशंस मिल जाएंगी, पागल मैं भी नहीं हूँ और ज़िंदगी में पहली बार 5 स्टार्स के अंदर नहीं, अच्छा कंपनी की तरफ से तो बिल्कुल नहीं गया था, कंपनी जो आपने बोला ना कंपनी की तरफ से लेके गया था, तो कंपनी नहीं लेके गई थी, अपनी तरफ से गया था, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। रिप्लाई नहीं बोलूँगा मैं, बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं बोलूँगा मैं, किसी को भी रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं एक सच सबके सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है, नॉर्मल सच। जो लोग बायस्ड हैं, जिन लोगों ने गालियां बकनी हैं, बोलना ही बोलना है, उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई विल बी लाइक अ प्लास्टिक पेंट होता है ना, कुछ भी मारो नीचे गिर जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा अगले को। आई विल बी लाइक अ प्लास्टिक पेंट, दैट्स इट। बट सच मैं जरूर सामने लेके आऊंगा कि भाई ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री को सामने लाना जरूर, इंडस्ट्री की भी बात छोड़ो यार, ठीक है, कुछ तो सही होगा, मैं कहता हूँ पूरा MLM फ्रॉड, कुछ तो सही होगा, क्यों MLM इतना चढ़ क्यों रहा है भाई, क्या है रीजन। नीति आयोग फाउंडर है उनके, नीति आयोग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सम्राट भाई की वीडियो थी, आई एम वेरी सॉरी, कट, नाम नहीं लेना था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, ये तो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहा है, अब मैं एडिट वेडिट नहीं करूंगा, इसको सीधा अपलोड करूंगा, ठीक है। बट
गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, एवरीथिंग विल बी शोन। वेट करते हैं वीडियो का, बाय। हेलो एवरीवन, आशुतोष प्रातियास दिस साइड, एंड आएगी आएगी रिप्लाई वीडियो, जरूर आएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, बिकॉज जितनी भी चीज़ें मुझसे बोली गई है ना दिखाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ज़रूर इस वीडियो का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा इनको। मुझसे बोला गया मेरा इनकम दिखाने के लिए, ITR दिखाने के लिए जो गवर्नमेंट को फाइल होती है, राइट। सो 2 साल की ITR मेरे पास ऑलरेडी है, 3rd साल की जो ITR है, जस्ट बिकॉज कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना के चक्कर में बहुत गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया था नवंबर दिसंबर तक, तो वो मैंने अभी फाइल नहीं करी थी। मैंने अपने CA से बात करी है, उन्होंने फाइल करनी शुरू कर दी है ITR, तो वो भी शो कर दी जाएगी आपको। इसके साथ साथ मेरी कंपनी पे बात करी गई, ठीक है, मेरे YouTube प्रोग्राम के ऊपर बात किया गया, ठीक है, मेरे मॉडलिंग विंग के अंदर बात किया गया, उसके लिए बात किया गया। तो किन को क्या फ़ायदा हुआ है सब प्रूफ के साथ ज़रूर दिखाने वाला हूँ, ज़रूर दिखाने वाला हूँ। तो रिसर्च करी, आधी अधूरी करी, लेकिन ठीक है, रिसर्च ज़रूर करी इस बार, इसलिए काबिल तारीफ हो आप, पर आधी अधूरी कर गई। एंड एक चीज़ और बोलूँगा मैं यहाँ पे, बिल्कुल बातें सही हैं, बिल्कुल लॉजिकल हैं, ठीक है, आपकी जो भी बातें थी, मेरी बातें नहीं कह रहा मैं, आपकी जितनी भी बातें थी बिल्कुल लॉजिकल थी। और आज से 3-4 साल पहले शायद मैं भी इसी तरह का था, बिल्कुल इसी तरह का था, कि कोई हमें अगर बोल दे कि भाई जोड़ने वाला काम है, भाई 19 साल के उम्र में या 18 साल की उम्र में भाई 30-35 हज़ार रुपये महीने का कमा लेगा, मेरे अंदर से सीधा निकलता था भाई तू बताएगा क्या। तो माइंडसेट टूटता है हर किसी का, मेरा तो टूट गया, हो सकता है तुम्हारा भी। हाँ, जो वीडियो में लाऊंगा ना, रिप्लाई वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल बेसलेस बात नहीं होगी, सिर्फ फैक्ट्स, लॉजिक्स और प्रूफ्स की बात होगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी कंपनी के बारे में ज़रूर बात करने वाला हूँ, जितना मिसकंसेप्शन है ना, क्लियर चाहो तो कर सकते हो वहाँ पे, राइट, ठीक है। ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं 2 के नीचे, 4, 4 के नीचे, 8, 8 के नीचे, किताबें लिखी गई हैं भाई इसके ऊपर, किताबें लिखी गई हैं, पिरामिड क्या होता है, पॉन्जी स्कीम क्या होता है, अनएथिकल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, एथिकल क्या होता है, ठीक है। आप सही और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस मैनेजमेंट के जो गुरु हैं, विवेक बिंद्रा सर को आप जानते ही होंगे, ठीक है, वो और उनकी जनता बेवकूफ़, एंड आप बहुत सही, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल मानता हूँ, सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं अभी यूट्यूब पे, शायद 60,000 हैं अभी, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँ, सिर्फ 60,000 जो जनता है ना, तुम मेरे काम पे बोलोगे तो मैं भिड़ जाऊँगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं कोई ठेला भी लगा रहा हूँ, उस ठेले को आगे छेड़ोगे तो मैं छेद दूंगा, सीधी बात। मैं एक बंदे को टारगेट करके नहीं बोल रहा, मैं पूरे जितने भी लोग इस इंडस्ट्री को बिना समझे कुछ भी बोलते हैं उन सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे काम पे उंगली उठाओगे तो मैं भिड़ जाऊँगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली दुनिया की बात नहीं कर रहा, आपने दुनिया के स्क्रीनशॉट्स दिखाए, ये ऐसा करता है, कोट गर्मी में पहनता है, ये करता है, वो करता है, भाई मैंने इस तरह की कोई हरकत कभी नहीं करी है, मैं बिल्कुल ओरिजिनल चला हूँ, जो चीज़ें दिखाई हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट सही दिखाई है मैंने, ठीक है। तो इसीलिए मुझे किसी बात का डर भी नहीं है, रिप्लाई भी देने वाला हूँ मैं। लेट्स प्ले द गेम। चलो आपके ही बहाने से ही, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की छवि जो अनबायस्ड लोग हैं उनके लिए तो थोड़ी बेहतर होगी ना। एंड जितने लोग भी गाली गलौज कर रहे हैं ना कमेंट के अंदर, एक ही बात बोलूँगा भाई, कुछ काम ढूंढ लो, फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालो, क्योंकि इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। टेक केयर गाइस, बाय बाय।